mm -hmm. चल रहा है जहन्नुम की आग से निजात का श्राप इसमें भी बहुत तेजी से जो है गुजरता चला जा रहा है बहुत तेजी से गुजर जा रहा है आइए पहले हम एक वीडियो देखते हैं मालदीप की वीडियो आइए देखते हैं इस वीडियो बड़े सखीर के جنوب में द्वीपों के हसीन इंतजाज पर مشتمل मुल्क मालदीप वाकई है जो अपने दिलकश مناظر द्वीपों समंदर की आगोश और कुदरती कुदरतीसन की वजह से जमीन पर जन्नत कहलाने वाले चंद खि में अपना एक खास मकाम रखता है बारहवीं सदी ईस्वी के वस्त में मुसलमान ताजरों के जरिए इस्लाम मालदीप के लोगों तक पहुंचा मालदीप में मसाजिद की तामीर और तजीनों आइश पर ख़ास तवज्जो दी जाती है इन मसाजिद में सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद मस्जिद जुमा है मरजान के पत्थरों से बनाई गई ये मस्जिदें अपने डिजाइन, सजावट और अजमत में सबसे नुमायाँ थी मस्ाजिद की दीवारों में जुड़े मरजान के ब्लॉक्स इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं ये मस्ाजिद बहरे हिंद में इस्लाम के अशात की गवाही देती हुई नज़र आती हैं इनकी तामीर मकामी लोगों की सलाहियतों का बेहतरीन मज़हर भी है मालदीप के इन जज़ीरों में कायमशुदा मस्जिदों को ओल्ड फ्राइडे मस्जिद भी कहा जाता है तीन सौ साल कदीम इस मस्जिद में मरजान की कारीगरी और खत्ताती का काम इंतहाई शानदार तरीके से किया गया है जो देखने वाली आँख को खीरा कर देता है ऐसी ही एक मस्जिद माले में जुमा मस्जिद के नाम से मंसूब है मस्जिद की इमारत दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन मरजान के पत्थरों की इमारत में से एक है 2008 में यूनेस्को ने माले जुमा मस्जिद और इसके कॉम्प्लेक्स को अपनी आरजी आलमी सकाफ़ती वे की फहरिस्त में शामिल किया जुमा मस्जिद माले के दार है और इसे सोलह ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम अव्वल के दौर में तामीर किया गया था। मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मस्जिद की इमारत एक बड़ा मीनार आला मीर के मरजान के पत्थर के कुएं और एक कब्रिस्तान है जिसमें माजी के बादशाहों और मोजीन की कबरें मौजूद हैं मस्जिद के अहाते में एक बड़ा मुनफरद मीनार है जो पलस्तरशुदा मरजान के पत्थरों से बनाया गया है इसे धाती पट्टियों से बांधा गया है अपनी शनाख्त के एतबार से ये बहुत दिलकश और जाजवी नजर है मालदीव के अहम तरीन मकाम में से एक मकाम इस्लामिक सेंटर है जिसे सरकारी तौर पर सुल्तान महमद मौस के नाम से जाना जाता है इस मस्जिद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल और एक लाइब्रेरी है जिसमें वजारत इस्लामी अमूर के दफातर भी मौजूद हैं ये मस्जिद अपने मुनफरद महल वक़ू और शानदार फन तमीर की वजह से सयाहों की तोज्जो का मरकज़ बनी रहती है इसके सुनहरी गुम्बत के साथ साथ इसके अंदरूनी दीवारों की खूबसूरती इंतहाई दिलकश है जिसे अरबी खताती में मुजैन लकड़ी के खूबसूरत हरूस से बनाया गया है आज मालदीप में नई और जदीद तर्ज़ तमीर की मसाजिद के साथ साथ बहुत सी पुरानी मसाजि भी मौजूद हैं जो इस जजीरे की इस्लामी सकाफ़त तहजीब और तमदन को ज़ाहिर करती है सुबहान अल्ला आपने देखा किस क़दर खूबसूरत मनाजिर थे और उसके बीच में वो मस्जिद जो लगभग 300 साल पुरानी मस्जिद थी इसके अलावा जदीद मसाजिद और जदीद सेंटर्स भी थे दरअसल मसाजिद जो होती हैं किसी ने इस बात पर बड़ी अच्छी बात कही कि इसे हदीस से भी रिलेट किया जाता है कि जब आसमान वाले ज़मीन की तरफ देखते हैं तो उन्हें जो चमकती हुई चीज़ें नजर आती हैं वो मसाजिद होती हैं वो अल्लाह के घर होते हैं और जब, जब ज़मीन वाले आसमान की तरफ़ देखते हैं तो उन्हें जो चमकती हुई चीज़ नज़र आती है वो सितारे होते हैं तो ये जो, जो मसाजिद होती हैं ये अल्लाह के घर जो होते हैं है ये खूबसूरत और चमकते हुए सितारों की मानंद दुनिया वालों को दुनिया वालों की तरफ से आसमान वालों को नज़र आते हैं ये खूबसूरत मसाजिद मसाजिद जो आपने अभी देखी मालदीप के जजीरे में इस तरह की लातात मसाजि दुनिया भर में मौजूद हैं और लोग न सिर्फ वहाँ जाते हैं इबादत करते हैं बल्कि उसके हसन व जमाल से भी लुफानंदोज़ होते हैं उसके तर्ज़ जो जिस तरह उसको तर्ज़ बनाया गया है उसको भी उसको भी लुफानंदोज़ होते हैं तो दोस्तों आपने ये देखा हम बात भी कर रहे थे कि रमज़ान का बिल्कुल आखिर आ गया है ये आखिरी अशरा चल रहा है ताक रातें हैं मांगने की रातें हैं ये वो रातें हैं जिन रातों में अल्लाह से अपने गुनाहों की मखफ़रत की तोफ़ी मांगी जाती है इन इन खास कर इन रातों में जो है जहनुम की आँख से निजात के परवाने मिला करते हैं हम और आप भी कोशिश कर रहे हैं आप सब भी लगे हुए हैं हम भी लगे हुए हैं बस ये वक्त और ये साहतें गुजरती चली जा रही हैं लेकिन हम इससे जिस कदर भी फ़ायदा उठाएँ वो कम है तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि इस्लाम चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स करें आपके साथ मुलाकात हो और आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें कराई जाएँ जिनको आप जानते हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं जिनकी आप नशीद भी सुन चुके हैं जिनके साथ आप गुफ्तु भी कर चुके हैं और एक बहुत अरसे से वो जो है मीडिया का हिस्सा भी हैं मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं लगभग उन्नीस की वो दिहाई जिसमें हम देखते हैं बहुत पॉपुलर कस्म का पाकिस्तान का एक नया जो है म्यूज़िक का रुझान आया एक नई मौसी का रुझान आया उसमें बहुत से नौजवानों ने हिस्सा लिया बहुत से नए ग्रुप्स बहुत से नए बैंड्स आए जिना जमशेद आए हदीक़ा कहानी आई इब्रक आए बहुत से लोग आए उसी दौर में एक और नौजवान ने इनके साथ साथ अपने आप को जो है तरबियत दी आगे बढ़े और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और कॉन्सर्ट करते हुए उनका एल्बम भी आया उन्नीस सौ पचानवे में फिर उसके बाद ज़ाहिर है एक मोड़ आता है ज़िंदगी का इंसान सोचता है कि चलिए अब मौसी से हट के किसी और तरफ़ चला जाए तो फिर उन्होंने नशीद की तरफ तवज्जो दी नशीद और नात में अपना नाम पैदा किया अभी भी बहुत ज़बरदस्त कस्म की नशीद और नात करते हैं बाय प्रोफेशन तो जाहिर है इनकी फील्ड कुछ और है ये गारमेंट से रिलेटेड अपना काम करते हैं उसमें बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह तो हमारी बात होगी आपने इनकी आवाज़ इस्लाम चैनल पर भी सुनी थी जब ये रमज़ान की

अल्लाह uh, ताला ने एक, एक हिदायत का रास्ता दिया uh, कुछ रूहानी एक्सपीरियंस के थ्रू तो वो लाइफ फिर चेंज हो गई फिर सोचा गया कि अब अल्लाह ताला ने एक चीज़ आवाज़ को ब्लेस किया हुआ तो उसके अब उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर एकदम से हालांकि कुछ देर से आया मुझे क्योंकि मैं फिर पाकिस्तान से एक्चुअली यहाँ पे यूके मूव हो गया था तो फिर ख्याल आया कि यहाँ पर आके देखा तो कम, in, कम, मतलब मेरे अंदर जो म्यूज़िक थी या जिस किस्म की मेलोडीज थी मैं क्योंकि हम नेचुरल कंपोजर एंड राइटर एस वेल मैं लिरिक्स भी अपने खुद लिखता हूँ तो वो जब यहाँ पर आया तो मुझे एक नशीद इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पैरामीटर एक मुझे नज़र आया कि hmm. वो एक एक डिफरेंट एक था जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में हमदो ना तो सना साहब होता hmm. है तो वो एक एक ट्रेंड है एक एक टाइप की है तो जब मैं यहाँ पर यूके में आया तो बहुत फर्स्ट टाइम आई वाज स्टिल इन पाकिस्तान जब मुझे समी यूसुफ की जी, मैंने जी, पहली दफ़ा अल उसकी मैंने नशीद ब्रदर समी की मैंने सुनी तो उससे मैं आई वाज सो एंड लिटरली दैट वाज द फर्स्ट नशीद मैं जिसपे मैं रोया पाकिस्तान में था उस वक्त मैं तो उसने मुझे इतना इंस्पायर किया और फिर व्हेन आई मूव टू यूके मुझे फिर मैंने यहाँ पे नशीद आर्टिस्ट तमाम देखे जो अरब वर्ल्ड से भी हैं पाकिस्तान से भी हैं उमर ईसा वन ऑफ माई माई डियर ब्रदर एंड माई वेरी गुड फ्रेंड तो उसके साथ कोलेब्रेशन हुआ उसके लिए मैंने लिखी भी खुश अच्छा। नशीद उमर के लिए कंपोज भी की हमने जॉइंटली भी सिंगली भी तो उसके साथ काफ़ी सोचिए तो वो जब मैंने यहाँ पे आके एक एक्सपेंड एक, किया और आ, नशीद की इंडस्ट्री को तो वो जो अंदर मेरे अंदर जो जिस टाइप की मेलोडी या कंपोजिशंस थी तो वो उसको फिर मैंने कहा हाँ येस आई कैन ब्रिंग दैट आउट Uh, तो फिर मैं दो हजार यहाँ तो एक मिजाज था नात और हमद के हवाले से जी। और वो उसको जो है नातिया कलाम लोग सुनाते थे नात गुरु होते थे नात पढ़ते थे लोग में लेकिन जो नशीद थी जैसे हम बचपन से एक और सुनते आते थे ना वो अस्माउल हस्ना की जो थी और वो एक टर्किपन थी वो गालिबी और भी चीज़ें थी तो वो नशीद तो मेरे ख्याल बहुत अरसे से थी। तो नशीद और नात का क्या बुनियादी फर्क क्या होता है नशीद में बेसिकली यही है कि आप एक हसनखलाक का मैसेज दे सकें उसमें मतलब हम दो नात भी जो है वो भी नशीद के अंडर उसके पैरामीटर में ही आ जाती है लेकिन उसमें यह है कि कोई भी आप सोशल इशू को भी जो कि अखलाकियात में इस्लाम के हवाले से भी अखलाकियात की जो चीज़ शामिल है जैसे बहुत सारे आप सोशल ऐशूज़ देख रहे हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं वो भी नशीद में शामिल होता है जिस तरह हम हिजाब पर नशीद बना सकते हैं हम अखलाकियात पे बना सकते हैं लड़ाई झगड़े को छोड़ने की अब जैसे मैंने एक मैंने नशीद नई मेरी कम्पोज़ की हुई है मैंने वो मैंने हिजाब पर ही बनाई हुई है लेडीज़ के लिए मैंने उसमें बहुत सोच के अल्लाह की तरफ़ से तमाम वो एक आमद हुई है तो जो एक हमारी जो सिस्टर्स हैं सारी माए बहने घरों में जो हिजाब वाली हैं तो हिजाब के अंदर चाहे तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें से लेती हैं और घर से भी तनकीद या अप्रिसन लेती हैं तो उसको मैंने एक नशीद में ढाला है सारा क्या है तो, तो वो अन करीब वो भी प्रोड्यूस करूंगा तो इस तरीके से तो नशीद के अंदर इस किस्म की भी चीजें सारी आ जाती हैं हम दो ना तो

पे अलग अलग करके है उमर ने भी पढ़ी हुई है तो वो हर एक को एक ट्री करने के पे करने वाले लेकिन एक जो ताला ने एक है, तो वो आपको अपना रोल अदा करना चाहिए जिस तरह आप, आपने जैसे बात की कि आप, जिस तरह मैं म्यूजिक से इस तरफ आय तो इसको किसी चीज के साथ ब्लैस किया तो आपको सही वे में किस तरह आप यूज करते हैं अच्छा इसमें हमने देखा कि जो नशीद वगैरह होती है इसमें बहरल आप कह सकते हैं है, कही है, है, है देखें हादीस की रोशनी में तो वसल्लम की हिजरत पे मदीना में जब आए थे, तो थे तो उसके अलावा जो है अब डिफरेंट स्कूल हाँ, बिल्कुल आ, कोई म्यूजिक को, बड़ा होता है। आप अट्रैक्ट हैं ना आम आदमी को तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना मैं इसमें दोनों साइड पे हूँ उसकी वजह यह है कि आप आज आजकल जो है देखें आई थिंक मैं आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द लेक्चर ऑफ एन अमेरिकन स्कॉलर तो वो मुझे व, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने शायद कोई हदीस कोट की थी या कोई कोट कोट तो किया था ऑथेंटिक वेरी तो उन्होंने कहा आपने शैतान की वसफ़सों हमलों का मुकाबला उसी के वेपन से भी करना है नहीं, नहीं। तो यानी कि किसी भी चीज़ का आप अच्छा या बुरा इस्तेमाल होता है तो अगर अगर बुरा इस्तेमाल हो रहा है तो उसको अच्छा करके उसको काउंटर आपने करना है तो अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं दोनों ही को मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि उसमें कम कोई मतलब दीन से मोहब्बत कम है या नहीं बात तो पैमाने आ, तो हमारे पास है नहीं उसके लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहरल एक सूफिया के हवाले से हम देखेंगे उन्होंने तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट और एक टाइम exactly, exactly. था कि वो मुकाबला करने के बाद उनके पास कोई हल नहीं था वो तो exactly, ये कर सकते थे उन्होंने exactly, तो हवाली exactly. को रिवाज दिया और सारे उसके साथ इंस्ट्रूमेंट तो 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 और आजकल के दौर में स्पेशली जो यंग यूथ है दे आर सो मच इनटू म्यूजिक और म्यूजिक का इतना गलब है पॉप से लेके हर फोक से लेके गजल हर चीज तो आपने अगर नशीद करने तो उनको उसी पैरामीटर में रखते हुए उनको कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है ऑल्टरनेटिव में कि वो जो इस्लाम का दीन का मैसेज जो है वो उनको बहुत ज्यादा अजीब सा ना लगे या बोरिंग ना लगे तो क्योंकि उनका एक माइंड सेट बचपन से वो जो इस आग... ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं इस यंग यूथ है पिछले दो साल तीन साल में स्पेशली दस साल में आप कह लें तो यंग यूथ जो है वो दे आर सो मच यूज टू ऑल द टाइम हर एक के पास मोबाइल है यू नो म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो जब वो नशीद, आप आ, 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 ऐसा नहीं कह रहा कि विदाउट म्यूजिक या सिर्फ डफ के साथ जो है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी वो डिपेंड करता है कि उसकी मेलेडी क्या उसकी है उसके अल्फाज क्या है आज भी हम जफर कासमी साहब की जो है वो आज भी मेरे मतलब रोंगटे खड़े कर देती है यकीन करें मुझे रोना आ जाता है उसको आज भी मैं अगर मैं सुनता हूँ तो बहुत शौक से लोगों ने अभी भी शौक से शुजा हैदर वेरी प्रोमिनेट सिंगर है कोक स्टूडियो

मुता कर सकते हैं रागब कर सकते हैं दीन की तरफ बहुत से ऐसे लोग नौजवान करके, जो चाहते हैं कि वो सिंगिंग करें लेकिन उनको मुख्तलिफ चीज़ें रोकती हैं तो फिर वो नशीद की तरफ आते हैं काम कर बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यंगस्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मेरे मेरा कॉन्वर्सेशन रही है पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी तो उनका यही था कि ये जो खास तौर पर इन कंपेरिजन टू पाकिस्तानी uh, या इंडियन जो वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके मुकाबले में जो बिगर सिनेरियो में या वेस्ट में काम हो रहा है नशीद के ऊपर जो पाकिस्तानी इंडियन या अरब वर्ल्ड से नशीद आर्टिस्ट कह रहे हैं या यहाँ के यूके के बॉर्न कह रहे हैं तो वो उससे बहुत इंप्रेस्ड हैं क्योंकि वो उनको पता नहीं एक उनको अपील करती है वो चीज़ मे बी इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ मेलोडी दे आर यूज्ड टू ओवर देयर यू नो म्यूजिक तो वो अब हर और फिर ये क्या होता है जो भाई के हर आर्टिस्ट का एक अपना एक पैरामीटर है उसकी एक कैपेसिटी है अब मैं एक टाइप की मेलोडी को प्रोड्यूस कर सकता हूँ लिरिक्स को लिख सकता हूँ दूसरा नात लिखने में बहुत अच्छा होगा मैं हम लिखने में बहुत हाँ, अच्छा होगा ठीक है मेरी कॉम्पोजिशन मैं ही अच्छी पढ़ सकूंगा मैं दूसरे के लिए भी पढ़ सकूंगा मैं कोशिश करूंगा जिस तरह मैं कंपोज उमर के लिए भी मैंने किया हमने जॉइंटली भी किया उसके लिए लिखी भी तो वो उसको फिर उसकी वोकल्स को भी मैंने करवाया रिकॉर्ड उसकी वोकल्स कराई क्योंकि मैंने कंपोज की मैंने लिखी तो मैंने उसको कहा कि ऐसा ही पढ़ना है मैं हाँ, ये, ये रिजल्ट चाहता हूँ तो वो अब यहाँ पे जैसे यूज टू था कि हाँ भाई वो ज्यादातर इंग्लिश नशीद करते हैं तो जब उर्दू जब उर्दू पंजाबी भी मैंने लिखी नशीद उसके लिए तो उर्दू पंजाबी जब मैंने उसको लिखी तो मैंने आई हैड टू स्टैंड देयर और उसको मैंने वोकल लहजा अल्फाज की सब देखना पड़ेगा जी जी वो बहुत जरूरी होता है उसकी वो खुद की रिक्वेस्ट थी कि नहीं आप मुझे आई एम नॉट दैट गुड वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उर्दू स्लेस उर्दू के वर्ड हो जाते हैं तो हाँ। वो समझ नहीं आते तो मुझे उसको ट्रांसलेट करके है अच्छा, अरबी जो रशीद हम देखते हैं अरबी रशीद का ज़ाहिर अरबी जबान का एक, ने एक ऐसा लुत्फ रखा है कि से अरबी की ज़बान आती है तो वैसे ही लोग exactly, exactly. एतका और उसमें मीठी, जो बहुत मीठी ज़बान है, इसमें होता है। तो आपने भी कुछ अरबी नशीद भी की है जी अभी नहीं की लेकिन पाइपलाइन में जो मैं अपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें एक मिक्सचर भी होगा आदि अरबी आदि उर्दू Uh, bhi, अच्छा एक बड़ा रिवाज जैसे अभी आपने कहा कि फासलों को तकल्लुफ या दूसरी चीज़ें आज भी वो चल रही हैं और लोग नए नए आर्टिस्ट उसको कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो पुरानी नातें हैं या पुरानी नशीद हैं उनको नए पैराए में ला कर एक नया पैगाम दिया जा सकता है आई थिंक बहुत ज़रूरी है देखें आ, इत, मतलब एक हकीकत है कि जो उस जमाने के हमारे बड़े नातवा थे हम दो सना पढ़ने वाले अब उनकी एज हो गई है हाँ, ये मेरा सवाल नहीं है सुर नहीं। के साथ नहीं। उस टोन में नहीं पढ़ नहीं सकते, नथिंग नथिंग मतलब अगेंस्ट वो एज का तकाजा तो अब यंग यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए आज के यंग सिंगर या नशीद आर्टिस्ट उसको रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो फ्रेश और यंग वॉइस के साथ जो है वो आज की यूथ तक पहुंचा सकते हैं जो कि अपील करेगा क्योंकि अगर पुराने वो ओल्ड एज की आवाज जहरी बात है उनकी एज की वजह से वो उस तरह सुर को काबु नहीं कर सकते या वो वो नहीं छोड़ेंगे वो तासीर नहीं छोड़ेंगे सुनने वालों के लिए जो आज का यंग ब्लड कर सकेगा तो ये वेरी गुड ट्रेंड के नॉट ओनली uh, नशीद आर्टिस्ट इवन सिंगर लाइक आतिफ ने हसना हाँ, किया हाँ, आतिफ ने दरुद पा किए दरुद्लामी तो

टोटली अपने आप को अवॉइड किया जाए तो फैसल भाई गुफ्तु तो चलती रहेगी क्या ख्याल है कुछ सुना जाए आपसे कुछ मैं आप आपकी भी लास्ट ईयर ए... की एक नशीद अपनी सुना देता हूँ प्रोड्यूस की थी मेरा नबी तेरा नबी 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 अल्लाह का वो नूर है अल्लाह का वो नूर है अल्लाह का महबूब है उसके, उसके सिवाना है कोई, है कोई को। उसके सिवाना ना है कोई जो है तेरा मेरा नबी मेरा नबी तेरा नबी ते मेरा नबी तेरा नबी आपकी और भी मुख्तल नशीद सुनी है जी, जी, तो ये जो खूबसूरती ये जो अंदाज है जी, ये आपने किसी से अडोप्ट किया किसी से तो होता हुआ जब म्यूजिक सीन में था तो मैं बहुत ही मेरे अंदर बैलेट मेलोडीज और वो एक वो एक हर एक का होता है तो 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 मेलेडी थी उसको मैंने नशीद में भी ढाला और वो ही उसी किस्म से उसी टाइप की मेलेडीज मेरे अंदर से निकलती हैं विच इज़ वेरी न्यू फॉर नशीद लिसनर्स तो सब का और जो मुझे फीडबैक पाकिस्तान और दुनिया भर से मुझे आया लास्ट जो थे मैंने तीन नशीद की हैं तो उन्होंने कहा कि वो यही किस वेरी डिफरेंट और बहुत अपील कर रही है मेलेडी जैसे एक फ्रेश हवा का झोंका होता है ना तो वो स्टैंडर्ड uh, मेलोडीज जो हम दो नाद की होती हैं हमारे स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में तो उससे हटकर है तो वो जिस तरह जुनेद ने काम हाँ, तो I mean, किया बाई माई ब्रदर जुने जमशेद करे आमें। तो उसने जो एक ट्रेंड सेट किया तो उसको पाकिस्तान से उर्दू नशीद में खास तौर पे तो हम उसको फॉरो फिर नजम हिजबाई मेरा बहुत पुराना दोस्त है तो नजम ने बहुत सारा किया वो अपने अपने सर्कल में काम कर रहा है वो दावत का भी काम कर रहा है वो हर चीज़ कर रहा है तो इनशाला प्लान है मेरा नजम के साथ भी एक कोलाबोशन करने की और ईसा के साथ भी करने की तो वो भी एक काफ़ी जरा अट्रैक्ट कर तो मेन मेरी जो एक जाती, एक नीयत है जो टारगेट है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आजकल की यूथ को हम कर उनको सके। उनको अपील कर तभी, तभी लड़के लड़कियां बहने मतलब उससे किराकशी हो के, के हाँ भाई चाहे वो हिजाब में है नहीं है मैं कोई जजमेंटल वो नहीं है हाँ। मैं इवन आई एम राइटिंग ऑन नशीद के जो अभी फाइट कर रहे हैं शैतान से लड़ रहे हैं आधे रास्ते पे हैं अल्लाह हाँ। की दीन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं जस्तुजू कर रहे हैं हिम्मत तो वो किन इमोशन से गुजरते हैं आई एम अटेंशन ऑन मोर ऑन दो थिंग्स के बजाय इसके कि मैं जजमेंट करूं कि हाँ भाई आप, आप आ, हिजाब में हैं आप हिजाब में नहीं हैं अगर आप नहीं हैं तो आप किन इमोशन से आप अंदर फाइट कर रही हैं और आप आना चाह रही हैं क्या आपने वो कुछ कुछ उसका सुना सकते हैं हिजाब वाली जो आपने लिखी थी अरे याद है मेरी अभी एक्चुअली फाइनल नहीं हुई है <laughs> तो <laughs> मैं उसको मैं आ... अह मुझे मैलडी भी एक्चुअली अभी चले कोई नहीं हम कुछ और सुन लेंगे आपसे जी, 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 जी. अच्छा जिस तरह आपने तस्करा किया कि नौजवानों के हवाले से कि नौजवानों को क्योंकि हमारा मेन टारगेट वही है देखिए मैं उस दिन वो तर्की की कहीं कि मिसाल सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मस्जिद में नमाज के दौरान पीछे से बच्चों की आवाजें ना आ रही हो शोर मचाने की चीखने की हंगामा करने की खेलने कूदने की तो तुम परेशान हो जाओ क्योंकि तो exactly. तुम्हारी अगली नस्ल पता नहीं मसाजिद में आएगी कि नहीं आएगी बिल्कुल तो इन नौजवानों को तो चाहे छोटा जिस तरह की भी कर रहे हो इनको तो तरगीब देनी होगी ना हमें बिल्कुल, बिल्कुल तरगीब क्यों, क्यों नहीं नहीं, दे, हमें दे, नहीं देंगे तो कैसे होगा? इस पे हंड्रेड परसेंट मैं इस, इस थॉट से एग्री करता हूँ क्योंकि खासतौर पर आई थिंक जो मुझे बचपन में याद है तमाम नहीं कुछ मसाजिद में बैक इन मेरा तल कराची से बेसिकली पाकिस्तान से तो वहाँ मसाजिद में हम लोग यंग एज में देखते थे कि वो अक्सर मसाजिद में यंग यूथ को या छोटे बच्चों को मना किया जाता था या तो वो तरावी के लिए अगर आ रहे हैं तो बहुत शोर वोल कर रहे हैं तो उनको पीछे डिलीबरेटली धकेल दिया जाती है दिया जाता never लग लिक लिक थिस लिक थिस अगर आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे बल्कि उनको प्यार और मोहब्बत के साथ बिठाया जाए वो यूज टू हो कि हाँ भाई ये तरह भी होती है बैठा जाता है इसके ये आदाब हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको सीख लेंगे तो वो जो प्यार और मोहब्बत और जो छोटों से शफकत का जो है ना वो आई थिंक काफी हद तक फुकदान है हमारे प्रैक्टिसिंग सर्कल में भी क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मेरा ये ऐसा है क्यों क्यों आप क्यों लगता है क्यों हमें मुझे जैसा लगता था आपने बिल्कुल सही तस्वीर की थी मैंने भी वहीं उन्हीं शहरों उसी शहर उन्हीं गलियों में पर हम देखते थे कि पहली सफ में भी हमें खड़ा नहीं हो जाना पीछे जाओ आप बड़े बच्चे यहाँ नहीं खड़े हालांकि यहाँ हम देखते हैं बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता आगे है है करने वाला मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। और मैंने मतलब इवन मैं अगर मेरे सामने अब होता है तो जहरी बात मेच्योर हो गए हैं नॉलेज भी कुछ अल्लाह ताला के जो भी छोटा बहुत है तो हम मतलब आर्गूमेंट भी करते हैं बेस्ट वैनर में बिल्कुल गलत है आपने उनको यूथ वैसे ही आजकल के दौर में मतलब फितन से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त आगाज हो चुका है तो उसमें तो यूथ को आपने एक्स्ट्रा शफकत देनी है एक्स्ट्रा पोलाइट होना है ताकि वो अल्लाह और दीन और क़ुरान से जुड़ें तो अगर आप बहुत एक एक तबका मुझे हमेशा से पाकिस्तान से ले कर यह, यहाँ यहाँ भी मिलता है लेकिन वेस्ट में बहुत कम है ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि वो प्रैक्टिसिंग तबके की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही एक करख्त अप्रोच है उनकी एक चेहरे पे हालांकि वो दावत का काम कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा मतलब मतलब दीन के हवाले से ये जो सोच हमें रखनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें तोफीक दी कि हम नेक काम कर रहे हैं हम इबादत भी कर रहे हैं रिहाजत भी कर रहे हैं सदक़ात खैरात भी कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर ये हमारे अपने फायदे के लिए है exactly. इससे किसी और को कोई फायदा नहीं होना चाहिए अगर मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ मैं कहूँ भाई देखो मैं तो ये कर रहा हूँ आप नहीं कर exactly. रहे तो ये इससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पे मैं एक बात कोट करूंगा जो मैंने आज सुबह एक वीलॉग देखा आजकल काफी वो ग्रोइंग काफी पॉपुलर यूट्यूब पे हो गए साहिल अदीम भाई जी तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं इस्लाम की भी उनको काफ़ी नॉलेज है तो उनके पास एक लाइव कॉल आई एक लेडी की पाकिस्तान की तो उन्हें कहा कि मेरा आपसे साहिल भाई एक पूछना है कि एक मेरा पाँच साल का बेटा है तीन साल की बेटी है तो मेरा जो पाँच साल का बेटा है उसको मैं शुरू से मैं बहुत वो कि मैं ये बुरी चीज़ों में ना जाए और दीन से जुड़े ये वो अब क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है थी माँ की तो उनका सवाल साहिल भाई से ये था कि मैंने उसको ये कहा कि बेटा उन्होंने एक कोई बुरा काम किया तो मैंने अपने बेटे को कहा पाँच साल के बेटे को कि बेटा आप ये काम करोगे ना तो यू विल बर्न इन हेल फायर तो वो साहिल भाई ने सर पकड़ लिया उन्होंने कहा आपने यही ये नहीं सिखाना कि आपने तो फ़ौर ही उसको आग में डाल दिया पाँच साल की उम्र में तो वो अल्लाह को एज़ अ टायरेंट लेगा वो उसकी जो फ़िलासफ़ी है तो वो उन्होंने कहा कि आपने बजाय इसके कि आप कहें कि आपको क्या अजाब मिलेगा उस बच्चे की यंग एज पे आपने कहा है आप ये क्या नहीं करोगे आप तो आपको क्या स्वाब मिलेगा बहुत अच्छी बात कही आपने दोस्तों असल में गुफगू यही है बातचीत हम यही कर रहे हैं कि हमें नेकी की जो तालीम है ना वो बहुत अहसन तरीक़े से देनी होगी अगर हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे जाहिर है वो एक अलग चीज़ होती है लेकिन खासकर बच्चों को यंगस्टर्स को जो है मोहब्बत से तालीम देनी होगी छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी अस्सलामुअलैकुम आईकम वरम वक् बहुत बहुत शुक्रिया नाजन वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए बहुत खूबसूरत गुफ्तू चल रही है मख्तलिफ़ हवालों से बात हो रही है नशीद पर भी बात हुई हमारी कॉल्स भी ऑन हैं आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं बात भी कर सकते हैं हम बात कर रहे थे नेकी के हवाले से भी मसाजिद के हवाले से भी हमने बात की दोस्तों नेकी के बारे में एक बहुत अच्छा मुहावरा कहा जाता है कि निकी कर दरिया में डाल इसका मतलब ये होता है कि जब आप निकी कर देना तो फिर उसकी तशहर ठीक है उस कर सकते हैं इस मानों में कि आप दावत देना चाहते हैं लोगों की ताकि और लोगों को तरगीब हो लेकिन अदरवाइज़ नेकी कर फेसबुक पर डाल वाली जो चीज़ शुरू हुई है ये भी अच्छी चीज़ है इससे भी लोगों को तरगीब मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा अपना जो है आप दिखाना शुरू कर दें कि जनाब मैं नेकियाँ कर रहा हूँ और तुम नहीं कर रहे हो तो हर एक के अलग अलग हालात होते हैं मुख्तलि सर्कमस्टांस होते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपकी नेकी आपके लिए यकीनी तौर पर से दूसरों को फलाई फला हो फला रही है उनकी फ़ला बहबूद हो रही है लेकिन मेरी नमाज रोज़ा ज़कात मुझे ही फ़ायदा पहुँचाएगी हम ज़रूर तरगीब दें लोगों को लेकिन तजीक ना करें तरगीब और तजीक का जो फ़र्क है अगर ये मलूज़ खातिर रखेंगे तो इन कामयाब होंगे हमारी टेलीफोन कॉल्स भी खुली हैं हमें शायद एक एक और पैकेज की तरफ भी जाना है और ये एक खूबसूरत पैकेज जो अभी आपने इससे पहले देखा है मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं दुनिया भर में जो मसाजिद हैं इनमें से एक मजेदार देखिए इसके बाद आपसे बात होती है बरअज़म अफ्रीका में आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क मनाकश है सयाहों को अपनी तरफ मुतव करता ये मुस्लिम मुल्क अपनी ख़ास जुग्राफियाई अहमियत रखता है यहाँ बहुत से तारीखी निशानात मजहबी इमारतें बाजार और साहिल हैं ये मुल्क बहुत से मशहूर मकामा का घर है जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी समझा जाता है मराकश के मरहूम बादशाह हसन दो के नाम से मनसूब मस्जिद मराकश दारकूमत कासाब लंका में इस्लामी फन तामीर की अजमत की है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक शुमार किया जाता है इसके मीनार को आसमान ने अपनी लपेट में लिया हुआ है इसकी ऊंचाई 210 मीटर जबकि चौड़ाई 10 मीटर है मस्जिद का रकबा 9 हेक्टर है और इसका कुछ हिस्सा जमीन और कुछ हिस्सा समंदर पर मौजूद है मस्जिद के चारों तरफ इमारतें एक मरबूत सकाफती हम पैदा करती हुई नजर आती हैं मस्जिद की तमीर उन्नीस में शुरू की गई थी और ये 30 अगस्त उन्नीस को मराकश के मरहूम बादशाह हसन सानी के दौर में मुकम्मल हुई मस्जिद में नमाज के लिए एक खूबसूरत हॉल एक वजु ख़ाना और कुरान की तालीम के लिए स्कूल के साथ साथ एक इंतहाई हसीन लाइब्रेरी और म्यूज़ियम शामिल है इस मस्जिद की तमीर में मुल्क के इंतहाई काबिल इंजीनियर्स और कारीगरों ने हिस्सा लिया और इस मस्जिद का डिज़ाइन फ्रांसीसी मैमार ने तैयार किया मस्जिद की खूबसूरती में दस हज़ार से ज़ायद कारीगरों ने हिस्सा लिया था इस मस्जिद में पच्चीस हज़ार से ज़ायद नमाजियों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है अलमरकश मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों के छोटे हिस्सों में ऐसे सतून हैं जो बीस मीटर से ज़्यादा ऊँचे हैं इसके गुम्बद फ़न तमीर का शाहकार हैं ये दिन के वक्त मुनासिब रोशनी फराम करते हैं और शाम के वक्त मस्जिद की खूबसूरती में इजाफ़ा रॉयल गेट मस्जिद के 18 दरवाज़ों में से सबसे बड़ा दरवाज़ा है इसका वज़न 34 टन है मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में आरइशी और आपस में जुड़ी हुई तांबे की लाइनों से जुड़े हुए जिप्सम मार्बल और दीगर मुख्तलिफ मवाद से बनी हुई दीवारें हैं 1908 में तामीर की जाने वाली कोताबिया मस्जिद भी मराकश की खूबसूरत मसाजिद में से एक है इसे अलमवाहिद खानदान के रिवायती फ़न का बेहतरीन नमूना समझा जाता है जिसने बारहवीं और तेरहवीं सदी में मराकश और उनगलस पर हकूमत की थी मराकश में मौजूद इस जैसी कई और मसाजद पूरे इस्लामी सकाफत को रोशनास करवाती है और मराकश बार बार आने का दिल करता है मराकश में मौजूद ये तमाम मसाजद मराकश की इस्लामी सकाफत को उजागर करती हैं और मराकश की ये सकाफत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नुमायाँ है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह दिल बाग बाग हो गया जनाब इतनी खूबसूरत मसाजि मराकश के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि वो यूरोपियों के यूरोपियन के लिए तो दूसरा घर है एक तरह से क्योंकि हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं करीब तरीन मुस्लिम आबादी वाला मुल्क वही है हम बरतानवी शहरीों के लिए और वहाँ की खूबसूरत मसाजिद हमेशा अट्रैक्ट करती है जो लोग भी वहाँ जाते हैं वो इन मसाजिद का ज़रूर विज़िट करते हैं कितनी खूबसूरत कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद थी अल्लाह ताला हम सबको भी मसाजि से जुड़ने की तौफ़ीक दे और हम इस तरफ आमें, आ, शामिल होते रहें हमारी गुफ्तु चल रही थी फैसल भाई से फैसल भाई आ, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मुख्तलिफ हमने आ, नशीद भी सुनी अभी हम गुफगू कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि आप बल्कि कहा कि पुरानी जो नाते हैं या पुरानी चीज़ें हैं

फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बे सहारा नहीं फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस बे नहीं बे सहारा नहीं खुद उन्हें को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाऊं थक जाएंगे तो हम जैसे ही सब्ज़ गुम बद नजर आएगा जैसे ही सब्ज बद नजर आएगा जिंदगी का करीना बदल जाएगा जैसे ही सब्ज नजर आएगा जिंदगी का करीना बदल जाएगा फासलों को तक है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा मैं समझता हूँ जो आपने ट्विस्ट वाली बात कही

आज भी रोना आ जाता है मुझे तो मैं इतने मतलब 30 -40 पुरानी वो है। अच्छा, एक एक हमने और देखी है हमने देखा कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो नशीद पढ़ेगा या नात पढ़ेगा या उसका कोई मखसूस लिबास और मखसूस उलिया मखसूस रोशनियाँ मखसूस यानी कि जो सारे नए नक्श उसके सवारे जाते हैं तो ये ठीक है जरूरत है आज की है आई थिंक प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बस ओवर डू नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ ऐसे आपका अटायर ऐसा ना हो कि आप लोगों की सुनने वालों की जो तवज्जो है वो उस नात के प्योर एसेंस से हट के लिरिक से हट के जो आप कहना चाह रहे हैं जो हमदोसना बयान करना चाह रहे हैं तो उससे डाइवर्ट होके वो आपके ड्रेस पे आ जाए कि इन्होंने कौन से डिजाइनर का ड्रेस पहना हुआ है या जुब्बा पहना हुआ है या कुछ तो ये नहीं होना जो सिम्प्लिसिटी में रहते हुए आप अच्छे से अच्छा पहन रहे मतलब बल्कि तलकिन की गई है हमें तो आदिश के मुबारक के हिसाब से कि अच्छे से अच्छा साफ कपड़ा आपने अच्छा ये जो हम देख रहे हैं माशा बहुत हम चैनल्स पे देखते हैं मुख्तु चैनल्स पर बहुत रिवाज चल रहा है हो रहे हैं नातिया प्रोग्राम्स हो रहे हैं बच्चों को भी इनक्रेज किया जा रहा है बहुत लोग आ रहे हैं इसमें तो आप समझते हैं कि अलहमदुल्ल अल्लाह का शुक्र ये फील्ड हमेशा से मतलब जब से दुनिया बनी है नशीद और नात का काम अल्लाह ने मख्तल नबियों के ज़रिए भी करवाया मुख्तलि नबियों को पैसे दिखे गए और नबी करीम व की नात पूरा कुरानी नबी करीम वात है तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये अलहमदिल्ला आप देखते हैं कि नौजवान इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जुन, जुनून की कैफियत के साथ वो इस नशीद की फील्ड में दाखिल हो रहे हैं और क्योंकि पहले ये था कि पहले बहुत एक लिमिटेड उनके पास चॉइस थी सुनने के लिए हु, हु, अब जो है वो वर्ल्ड वाइड इतना वो नशीद प्रमोट हो चुकी है हर जबान में आप टर्कश टर्की में बहुत है इंडोनेशिया में बहुत है इंडिया पाकिस्तान फिर यू के बेस्ड है यू के बेस्ड अमेरिकन बेस्ड नशीद आर्टिस्ट इंग्लिश में बहुत पढ़ रहे हैं अरबिक मतलब जैसे समी यूसुफ हैं महर जैन हैं वो अपना अपना सारे काम कर रहे हैं नजम यहाँ से उर्दू में कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ उमर ईसा ब्रदर कर रहे हैं तो वो एक बहुत ज्यादा जुनून आ गया और मैं तो मतलब एक एक नशीद के मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं और वो पैरल जिस तरह कोई फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं तो समाइम तो हायर बिल्कुल हाँ। उसमें आ गया। कि वो नहीं है कि हाँ भाई अगर कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का सॉन्ग होता है को, अगर उसके वन मिलियन तो समटाइम नशीद टेकिंग ओवर नशीद के जो वो YouTube पे व्यूज हैं वो टेन मिलियंस फोर मिलियंस अच्छा हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्योंकि जैसे हमने हमेशा से देखा है हिंदुस्तान की बात होती जी थी। जी। उनकी नात थी वो किस कदर exactly. जबरदस्त थी लोगों ने तो बहुत ही बड़े दिल से उन्होंने जी थी। जी जी। तो ये खूबी है नात की कि ये गैर मुस्लिमों तक को अट्रैक्ट करती है तो दावत का जरिया भी बनती है तो आपने कोई ऐसा सोचा कि कोई बड़ा कॉन्सर्ट किया जाए जिसमें आप सारे नशीद आर्टिस्ट जी, को बुलाया बिल्कुल नहीं आता मैंने इस सिलसिले में मैंने कुछ एक आध साल पहले मैंने नजम से भी बात की थी uh, क्योंकि नजम भी अब यूके बेस्ड है तो नजम से भी बात की थी एंड देन आई विल टॉक टू उमर ईसा ब्रदर एज वेल कि जितने ज्यादा नुमान भी उसमें वो मुद्द बहुत, दुण। दुण। बहुत दुण। अच्छा माशा से बहुत प्यारा बच्चा बहुत अच्छा है वो तो जितने भी हमारे सर्कल में है जिनको जानते हैं हम लोग और खासतौर पर उर्दू स्पीकिंग जितने तो वो के तो हम... होगा कि जैसे हमने, मुझे याद है एक्सेल में भी एक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ सब जी, जमा थे बहुत जी, जी। इस तरह का इस लेवल का प्रोग्राम होगा तो हम नौजवान अभी पिछले हफ्ते हमने एक अपनी मस्जिद में एक प्रोग्राम किया और वहाँ बच्चों को हमने देखा कैसे अंदाज से उनके वाले भी बच्चे भी हिस्सा ले रहे तो ये यंग एज आठ से सोलह साल के बच्चे थे उसमें जी जी। तो की तरबियत भी हो जाएगी ना इससे क्योंकि ये देखें ये ग्राउंड लेवल्स पे आपको बहुत जरूरी है आपके और खास तौर पे रमजान मुबारक के महीने में या ये ईद मिलादुलनबी का महीना है तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को यूथ को कनेक्ट करने के लिए और नशीद बहुत एक प्यार प्यारा ज़रिया और ख़ूबसूरत ज़रिया और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे और मैं अपने ऊपर सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँगा और फिर मैंने हम डिस्कशन भी हुआ है और मैं जैसे नजम है उमर हैं और जितने नशीद आर्टिस्ट हैं और मीडिया के तवसु से मैं सबको ही मैसेज देना चाहूँगा जो भी नशीद में चाहे किसी भी ज़बान में वो नशीद प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अगर, अगर अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ एक खूबसूरत आवाज़ बख्शी है तो आप पे फ़र्ज़ है कि नशीद के साथ साथ आप कुरान पाक की तलावत कोई भी रिकॉर्डिंग्स करें हम वेरी गुड क्योंकि sure. मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मुफ्ती और कारी हजरत का वो है आपको अल्लाह ने दी है आप, आप, आप तजवीद के साथ पढ़ना सीखें प्रैक्टिस करें और मुझे वो नशीद आर्टिस्ट खासतौर पे एरो एरो वर्ल्ड से कुछ हैं कि वो बिल्कुल साउंडलेस बिल्कुल वोकल ओनली जो है वो कुरान पाक की इतनी खूबसूरत वो है तो ये मैं ये समझता हूँ मुझे कि दो साल से एक बहुत strong केक लग रही है कि फैसल मिया, के अगर आप नशीद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाँ। यू कैन कुरान पाक तो मेरी नीयत है कि मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके कुरान पाक को पूरा कम्पलीट करूँ तलावत उसकी जो है आ, तो इनशाला वो भी मेरी नीयत ये दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेगी लोगों की तरफ आएगा और आप लोग जिस तरह एक नए जदीद पैमाने लेकर और चीज़ों को लेकर चल रहा है तो एक नौजवान को ये नहीं लगेगा यार मैं तो बूढ़ों की महफिल में जाके बैठ गया नहीं वो कहेगा ये तो अपनी महफिल है जी, और इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगी exactly. अच्छा जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि आपने भी बाकायदा बहरहल म्यूज़िक एक ज़माने में सीखा और उसके बाद आप आगे बढ़े और इस तरफ आए तो आज के नौजवान को सिखाने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो जराए हैं वो क्या हैं क्या सिर्फ सोशल मीडिया है या आ, कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपकी समझ में जो बाकायदा लोगों को नशीद बच्चों को नौजवानों को इस तरह तरबियत दी जाए क्यों कोई क्या कुछ है जहन में आई थिंक नशीद सिखाना तो बहुत ही आसान है ग्राउंड लेवल पे उसमें आपको कोई कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ थोड़ा बहुत भी अगर बच्चा बच्चे को सेंस है वो पता लग जाता है अगर नहीं होता आवाज़ नहीं है तो आपको यू हैव टू बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट कि नहीं आप नहीं आप नहीं पढ़ सकते आप पढ़ें वो ठीक है वो ये नहीं कि उसको डिसक्रेज करें कि वो हर्ट हो जाए उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए लेकिन आपको पता होता है कि हाँ भाई ये बच्चा नशीद पढ़ सकता है इसको अल्लाह ने ब्लेस्ड किया हुआ है तो उससे फिर आप और किस टाइप की आवाज़ है इसकी को उसको ये अरबिक में इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है हाँ, ये, ये भी एक कंपोज़र जो ऑलरेडी जैसे या हम लोग सीनियर हैं तो हम बता सकते हैं कि इसका तलफ़ और लहजा अरबिक में बहुत अच्छा है ये अरबी पढ़ेगा तो बहुत अच्छी होगी और मेन मकसद ये कि सुनने वालों तक मैसेज पहुंचे तासीर

वो फील करें रू में दिल और रू में उतर जाए आपका कलाम तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि ये जाने के हमें अगर जैसे यहाँ का यूके के बेस को एक बच्चा है यहाँ का बॉर्न एंड ब्रॉटअप है अगर वो नशीद पढ़ना चाह रहे तो ऑफकोर्स इट्स वेरी नेचुरल थिंग कि उसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा होगा बिल्कुल तो वो इंग्लिश में नशीद पढ़ेगा तो वो बहुत ही और अंदर से उसके नेचुरली आएगी उसको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा कि मैं सिलेस उर्दू वाला कोई तलफ ले कर आऊँ और वो तो जो नेचुरल नेचुरली उसके अंदर से आएगी फीलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन आएगी वो बहुत ही उमदा और हाई लेवल की तासीर छोड़ेगी सुनने वालों तक के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि आप मतलब जो जितने कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसे कुछ लोग हैं फर्ज करेंगे आपके पास आए कि भाई, जी, भाई जी मुझे सीखना है सिखाना है तो आप exactly. सिखाएंगे बिल्कुल सिखाऊंगा बिल्कुल सिखाऊं जी जी जी, जी, जी बिल्कुल सिखाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ प्रोग्राम्स देखते हैं लोग बच्चे देखते हैं वो आपकी नशीद सुनते हैं जी वो चाहते हैं यार हमें भी जाहिर है उनके पास वोकल है आवाज है सब कुछ है जी जी। उनको थोड़ा सा जाहिर है बहुत मामूली सी भी आवाज हो तो उसको ट्रेन किया जा सकता है देखिए नात में क्या है कि आपको सिर्फ सुर और लय का ख्याल रखना है आपने सुर में उसको पढ़ना है बात बहुत सारे बच्चे बच्चियों की आवाजें होती हैं लेकिन उनको सुर का थोड़ा सेंस नहीं होता लेकिन आजकल ज्यादा है सेंस क्योंकि वो सॉन्ग वगैरह इतने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सुनते हैं तो उनको पता है कि ये लय कैसे जा रही है तो दो थिंग्स आर सेफ तो आजकल के बच्चों को सिखाना इजियर है कम्पेयर टू दे टू बी इन द पास्ट तो वो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको सिखाएं और इट्स कोई मुश्किल काम नहीं है इसको बिल्कुल अच्छा फैसल भाई क्योंकि वक्त की है। मैं चाहूंगा अगर एक आध चीज और सुन ली जाए आपसे तो। आ, मैं आपको दो लाइनें सुना देता हूँ एक और मेरी नई जो कॉम्पोजिशन है मदीना मदीना करके उसकी दो लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ मदीना 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 सले अल मदीना मुहम्मद का मदीना 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 सले अल मदीना मोहम्मद <referhalat> का महीना <youngest492> <gathering> <land> wow. <distant Conversations> मदीने की गलियों <land> का हर एक जर्रा पुकारता है मोहम्मद मोहम्मद मदीने की गलियों का हर एक जर्रा पुकारता है मोहम्मद मोहम्मद मदीना 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 मदीना, मदीना। सल्ले अला का मदीना मेरे आका का मदीना मोहम्मद का मदीना मदीना मेरे, मेरे आका, आका का अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह आप माशाल्लाह मुझे आपकी नात और नशीद जितनी आप पढ़ते हैं बहुत ज्यादा ट्रैक करती है इस, इस तरह हमारे लोगों को करती है बहुत ज्यादा इसको हो रहा है मुझे बताएं फ्यूचर का क्या प्लान है क्या सोच रहे हैं क्या करेंगे फ्यूचर में जी मैं जिस तरह आपको मैंने शुरू से बताया कि आई एम वेरी मतलब वेरी मच एक्टिवली थिंकिंग अबाउट कंप्लीटिंग माय नशीद एल्बम उस पर मैं काम करूँ जिसमें मेरे पिछले दो जो तीन तीन कलाम जो हैं जो नशीज हैं वो शामिल होंगी तो कुछ क्लासिक जिस तरह फासलों को तो कल लोग थोड़ा सा टूट दे के मैंने स्टार्ट की है कुछ एक सिर्फ इंग्लिश नशीज भी होंगी फुल इंग्लिश अरबिक का मिक्सचर भी है तो इन शह प्लान मेरा यह है कि पूरी एल्बम जो है वो नैस्ट रमजान मबारक तक तैयार हो और कुछ वीडियोज़ के साथ हो तो और फिर जिस तरह हम बात करें तो कोशिश और ख्वाहिश मेरी ज़रूर होगी कि हम मिल के तमाम नशीद आर्टिस्ट के साथ मैं नजम से भी बात करके उमर ईसा से भी बात करके मुफ्ती साहब के बेटे से भी बात करके नुमान शाह से भी बात करके तो वो नुमान शाह भी नॉर्मली आई थिंक रमजान में होते, ही है ही होते है, तो कुछ ही होते ऐसा है। में ऐसा कुछ एक, एक कोई किया जा, हाँ, जा सकता है।, है करना चाहिए हम कर सकते हैं हमारे आई थिंक हिम्मत में है बिल्कुल आपके माशा चैनल पे दिखा भी सकते जी अल्लाह सबको को दे हम बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं कर ही रहे होती हैं तो ये हम मिलजुल के वेरी मच इन इट मैं अब मिलके प्लान करते हैं नेक्स्ट रमजान में इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला से दोस्तों आप भी दुआ करें आग कि आग हमने आग 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 और फैसल भाई ने डिसाइड किया चैनल की हम एक बड़ा इवेंट करेंगे नशीद का और जी सारे दोस्तों को उसमें बुलाएंगे फैसल भाई बिल्कुल चल रहे हैं बिल्कुल आखिरी एक चंद लम्हात रह गए हैं मैं समझता हूँ कि दीन की खिदमत हर आदमी अपने अपने अंदाज से कर रहा होता है लेकिन जो एक नशीद आर्टिस्ट एक नात आर्टिस्ट है जो जो नात और हमद पेश करता है वो सीधा दिलों पे असर करता है उसकी जो दावत है वो सीधी दिलों पे असर करती है जी। तो आप समझते हैं कि इस चीज को खासकर हम इस बरतानवी माशरे में जो यहाँ रहते हैं इसमें किस कदर इस चीज़ को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम आसान दावत पहुंचा सके देखिए ना एक तो होता है ना exactly. तकरीरें सुनाई जाए लोगों bilkul, को गुफ्तगू करी जाए बल्कि अगर इस तरह और आप अंग्रेजी में भी exactly. नशीद पढ़ते हैं जीजी. तो आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा जरिया बनता है ये एक्ज़ेक्टली बिल्कुल बहुत अच्छा जरिया मेन आई थिंक ये नशीद आजकल के दौर में और आजकल और मेरी ख़ुद की अप्रोच यही है कि आई बेसिकली वॉन्ट टू कनेक्ट देखिए जो ओल्डीज हैं वो तो बैठे हैं मस्जिद में इबादा ऐज का भी उनका तकाज़ा भी है और वो हिस्सा बन जाती है एक तरीके से लेकिन मेरा भी मकसद यही है और तमाम नशीद आर्टिस्ट का यही मकसद है कि वो यूथ को बेसिकली कनेक्ट करें तो चाहे वो मसाजिद के लेवल पे हो चाहे मीडिया के लेवल पे हो लेकिन सोशल मीडिया के लेवल पे आजकल बहुत आसान है और उसको करना चाहिए बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी से नहीं सीखा बट दे हैव अ लिटिल सेंस कि हाँ भाई वो पढ़ सकते हैं उसको और वो मिलियंस में व्यूज़ हैं यंग यंग बच्चियाँ छः छः सात साल की एक आसिया आयशा हैं दुबई से हैं वो इंडिया से उनका ताल्लुक है वो बच्ची उनके आई थिंक ओवर टू मिलियन सब्सक्राइबर हैं एंड वो बहुत ही अच्छी नाद पढ़ती हैं वो हाजली में खासें बारह तेरह साल की बच्ची होंगी वो तो आ, मतलब ये बहुत ज़रूरी है और नशीद इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट और बिग प्लेटफॉर्म राइट नाउ जिससे यूथ अट्रैक्ट हो चुकी है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और प्लस उसके अलावा जो दावत का काम है नशीद के साथ साथ मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ वालदे घर में बैठे वालदे पूरी फैमिली मेम्बर से दोस्त अहबाब ऑफिस में कोलीग्स हों जितने भी जहाँ कहीं भी हों पाकिस्तान में यूके में हों और खसूसी तौर पर इसकॉल हज़रा मस्जिद के इमाम हज़रा स्टार्ट वेयरिंग स्माइल ऑन हम्म, बिल्कुल इसका है। बहुत शदीद फुकदान है अपने भाई को देखकर कर मुस्कुरा देना भी जी, एक एरो थोड़ा सा भी जरा बराबर भी रति बराबर भी अगर आपको खरूर होगा तो आपने खुशबू तक नहीं सुननी जन्नत की तो बहुत सारे अनफॉर्चुनेट है कि सब नहीं बहुत सारे कुछ एक कैटेगरी ऐसी है कि मैं प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स को या जो दावत के काम में हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दे फेल और दे डों रियलाइज के दे आर लैकिंग इन स्माइलिंग एस्पेक्ट में जो है ना हुँ. तो वो थोड़ा सा अपनी स्माइल को इंक्रीज करें क्योंकि स्माइल जो है ना वो खास तौर पे एक मोमिन और मुसलमान की जो एक मेराज है वो एक पैकेजिंग है हुँ. तो अगर स्माइल नहीं होगी तो बच्चे से लेके बूढ़ा आपको एक कतराएगा आप तक यू विल बी सेंडिंग अ सिग्नल कि आप इजीली अप्रोचेबल नहीं है सही. कोई बहुत ही टाइप के आदमी हैं सख्त हैं पत्नी बहुत मुश्किल से आपसे बात करने की कोई जस्तजू करेगा तो अगर आपकी स्माइल होगी तो यू यो ब्यूटिफुल स्माइल ओपन डोर्स टू टेल पीपल दैट यू आर इजीली अप्रोचेबल यू एंड दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन दे वॉन्ट दे कैन मतलब कोई क्वेरी है उनको दीन से रिलेटेड नशीद से रिलेटेड कोई एक आम अखलाकियात का माल कोई भी मसला है घरेलू इस्लामी कोई भी मसला है खानदानी मसला है, तो वो आपको ईजिली आके पूछ सकते हैं तो वो जो जो चेहरे की सख्ती है आ, इवन आपको बहुत सारी बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज है इस्लाम की बहुत और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल। वो नेकी के हवाले से बहुत आपने अच्छी अप्रोच कही ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों पे रोब ना डाल रहे हो exactly, लोगों को दावत exactly. दे रहे हो तो ये बहुत जरूरी है लोगों को ये ना शो हो कि आपके इल्म की वजह से आप में कोई एक ऐसा अनसर पाया जा रहा है जिसमें एरोगेंस छलक रही है अच्छा बिल्कुल फसल में जा रहे हैं आखिरी एक आध में रह गए बस एक आध बंद अगर और सुना दें किसी भी आ, मैं आ, इसी नभी, नभी का जो मेरा नबी तेरा नबी का एक और नशील जो है वो सुना देता हूँ जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है मेरा नबी तेरा नबी 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 हाशिर भी है वो रशीद भी सुहा हाशिर भी है वो रशीद भी यासीन है वो मतीन भी है रहमतुल्लमी है रहमतुल्लमी जो है तेरा मेरा बबी मेरा नभी नभी तेरा नभी तेरा नभी मेरा नबी 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 तेरा नभी तेरा सुभान रा नुभानल्ला बहुत बहुत शुक्रिया भी भी फैसल भी भाई भी। आपका आने का बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफ़ा पे खड़े होकर लोगों को दावत दी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह को मानो अल्लाह एक है पांच वक्त की नमाज़ें पढ़ो रोज़े रखो हज करो जक़ात दो उन्होंने एक सवाल पूछा लोगों से कैफ़ा वजद तुमोनी तुमने मुझे कैसा पाया तुमने मुझे मेरे किरदार को कैसा पाया तो वहाँ जितने लोग खड़े थे जो सब मशरकिन मक्का थे जिनमें से बहुतों ने बाद में जुल्म के पहाड़ ढा दिए उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा कि हमने आपको सादक और अमीन पाया आप आला नसब के हैं आप किरदार बहुत अच्छा है तो बुनियादी तौर पे बुनियादी बात यह है कि जो फैसल भाई ने कही कि अगर आप निकी की तरखीब दे रहे हैं नकीी की तालीम दे रहे हैं लोगों को नकीी की तरफ़ बुला रहे हैं तो आपको अपने लहजों में अपने रवैयों में अपने चेहरे मतानत में अपनी गुफ्तु में जो है वो रयाकारी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट लानी होगी आपको ये बात करनी होगी जो अल्लाह के नबी नबीम ने फरिशात फरमाया कि अपने भाई को देख कर मुस्करा देना भी सदका है तो इस सदक़े की तरफ़ बढ़ना होगा असल काम ये करना होगा और ये हम इस माशरे में देखते हैं यहाँ बहुत होता है एक दूसरे को स्माइल दी जाती है तो कम से कम आज से ये रिवाज डालें कि हम एक दूसरे को देख कर मुस्कराएँगे एक दूसरे का हाल अवाल पूछेंगे एक दूसरे से खैर खैरियत करेंगे और अगर नाचाकियाँ हैं तो उसको दूर करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकू